सातवें वेतन आयोग को लागू किए जाने, पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने और अधिवर्षता की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का दूसरे और अंतिम दिन भी आंदोलन जारी रहा। मंगलवार को भी शिक्षकों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि गोआक्टा सहित कई अन्य शिक्षण संगठनों के निर्देश पर यह आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 28 अगस्त को सेंट एंड्रयूज कॉलेज के शिक्षक गोरखपुर विश्वविद्यालय और 20 तारीख को इको पार्क में धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। शिक्षकों का कहना है कि सातवें वेतन आयोग सहित कई अन्य मांग शिक्षक लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण शिक्षक समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सेंट एंड्रयूज कॉलेज शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर सीपी गुप्ता ने कहा, शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। डॉक्टर सीपी गुप्ता, उपाध्यक्ष शिक्षक संघ एसोसिएशन सेंट एंड्रयूज कॉलेज। गुप्ता के आह्वान पर हम हमारे कॉलेज के सम्मानित शिक्षक 13 और 14 दो दिन के हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे सम्मानित शिक्षकों का मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली जल्द हो तथा सेवन पे कमीशन लागू जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हो। उसके बावजूद शिक्षकों की आयु सीमा जो 62 वर्ष रखी गई है उसको भी 65 वर्ष किया जाए। ये हमारे शिक्षकों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी मांग के लिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, और जब तक ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इसकी मांगे हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम लोग अभी दो दिन तक धरने पर हैं। आगामी 20 तारीख को लखनऊ में भी एक धरना रखा गया है जिसमें उसकी रणनीति हम लोग बनाएंगे, और यहाँ से हमारे सभी शिक्षक उस धरने में जा कर के उस धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। उसके बाद 20 तारीख के बाद भी एक धरने का रखा गया समय 28 तारीख को ही लखनऊ में भी, उसमें भी हमारे सभी शिक्षक रणनीति बना करके धरने में शामिल होंगे। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार हम लोग की मांगे नहीं मानेगी हम लोग कंटिन्यूसली इस धरने को आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, आप लोगों के आंदोलन के कारण बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। ये हमको अफसोस जरूर हो रहा है कि बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है, हम इससे आहत हैं, लेकिन गवर्नमेंट को सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये शिक्षक जो बच्चों के निर्माण करता है, निर्माण उनके बच्चों को एक घड़े के जैसे बनाते हैं, और वो सरकार हम लोगों की मांगों के लिए मजबूर कर रही है कि हम धरने पर बैठे हैं, उनको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसीलिए इस सारी चीज़ों को अवगत कराने के लिए हम अपनी मांगे को उनसे ने एक अच्छे तरीके से लिखित और ये मीडिया के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि वो हमारी मांगे को मांगें।